दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। द कॉपियर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका जो मशीन है, क्योशेरा टास्क अल्फा 3010i मॉडल है, और जो कि इसमें एरर कोड आ रहा है मशीन फेलियर C0640। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एक भी स्टेप मिस मत करिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये मशीन को ऑफ करने के लिए बोलता है और ऑफ करके एक बार हम ऑन करेंगे। तो यहाँ हमने मशीन ऑफ कर दिया है और ऑन भी कर दिया है। तो यहाँ में देखिए डिस्प्ले में वेलकम करके शो कर रहा है। तो थोड़ा देर वेट कर लेंगे, हो सकता है ये रेडी हो जाए। तो अभी भी ये वेलकम में ही रुका है और यहाँ में क्योशेरा टास्क अल्फा लिख के आ गया डिस्प्ले में। तो अभी भी देखिए सेम इशू आ रहा है, मशीन अभी भी रेडी नहीं हुआ है। और मशीन में जो सर्विस कॉल आ रहा है सेम वही है C0640। तो सबसे पहले आपके पास सर्विस मैनुअल होगा, उसमें ये सर्विस कॉल को सर्च करिए या फाइंड करिए कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है या क्या पार्ट से रिलेटेड है जो कि मशीन में दिखा रहा है। तो उसको आप सर्च करिए, या अगर आपके पास मैनुअल नहीं है तो आप गूगल क्रोम में जाके वहाँ में आप सर्च कर सकते हैं ईजिली। आपको वहाँ से सोल्यूशन मिल जाएगा कि ये जो सर्विस कॉल आ रहा है वो तो क्या से रिलेटेड है। तो यहाँ में हम जैसे ही सर्च करेंगे तो यहाँ में देखिए आपको दिख जाएगा क्या से रिलेटेड है। तो अभी हम यहाँ में सबसे पहले सर्विस मोड में एंटर हो गए हैं और यहाँ में हम स्क्रॉल कर रहे हैं अप एंड डाउन या ऊपर और नीचे। तो स्क्रॉल करने के बाद यहाँ में आपको जो नंबर पे जाना है, या आपको डायरेक्टली नंबर याद है तो आप नंबर टाइप करके जा सकते हैं। जैसे मेरे को भी जाना है 203, या फिर डायरेक्टली मेरे को 609, या तो यहाँ पर देखिए 24। मेरे को क्या करना, हार्ड डिस्क फॉर्मेट करना है। तो यहाँ में देखिए 24 में आए, यहाँ में देखिए फुल, और यहाँ में एग्जीक्यूट, यहाँ में ऊपर दिखा रहा है आपको फॉर्मेट करना है यू आर श्योर। तो आप यहाँ में स्टार्ट कर दीजिए, यस। यहाँ में अभी इसको हमने ऑफ करके ऑन कर दिया। तो अभी देखते हैं क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ अभी तक, जो एरर कोड दिखा रहा था डिस्प्ले में। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि हमने फुल हार्ड डिस्क फॉर्मेट किया है, तो थोड़ा ऑन होने में टाइम लगेगा। और एक चीज़, हार्ड डिस्क फॉर्मेट करने से पहले एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आप जो भी स्कैन टू फोल्डर या स्कैन टू मेल या आपका कस्टम बॉक्स, ऐसा सब जितना भी सब क्रिएट किए रहेंगे वो अपने आप से डिलीट हो जाएगा, आपको दोबारा से क्रिएट करना पड़ेगा। तो फॉर्मेट करने से पहले आप इन चीज़ों का ध्यान दीजिएगा कि ये सब चीज़ें डिलीट हो जाएंगे। तो इससे पहले आप बैकअप ले लीजिए, कस्टम बॉक्स वगैरह सब का बैकअप ले लीजिए, नहीं तो आपको इशू हो सकता, फाइल वगैरह डैमेज हो सकता, डिलीट हो सकता, कुछ भी हो सकता। तो इससे डिलीट करने से पहले एक बार बैकअप ले लीजिए। तो अभी भी वेलकम में रुका है, अभी भी ऑन नहीं हुआ क्योंकि फुल हार्ड डिस्क फॉर्मेट कर दिए हैं। हाँ, अभी देखिए क्योशेरा टास्क अल्फा फिर से लिख के आ गया। हाँ, अभी देखिए अभी प्रॉपर स्टार्ट हो गया, अभी कोई भी सर्विस कॉल नहीं आ रहा है, कोई भी एरर कोड नहीं आ रहा है। ये देखिए प्रॉपर मशीन रेडी हो गया। चलिए एक रीडिंग निकाल के चेक कर लेते, रिपोर्ट स्टेटस पेज, ये से अभी देखिए मशीन से रीडिंग भी आ जाएगा। ये देखिए अभी मशीन प्रॉपर रेडी हो गया है। ये देखिए ज़ेरॉक्स, हालांकि काफ़ी दिनों से बंद है, ड्रम प्रॉपर रिफ्रेश नहीं है, इस वजह से लाइट कॉपी आ रहा है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।